डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, या जिसको हम आईपी सेक प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो गाइज, जब भी हम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे IPv4 की बात करते हैं, IPv6 प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ICMP प्रोटोकॉल की बात करते हैं, IGMP प्रोटोकॉल की बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी, आपको IPsec के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया है कि IP सिक्योरिटी है क्या, या IPsec प्रोटोकॉल के बारे में आपसे मतलब कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आने लग गई हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रोटोकॉल के बारे में बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल डेप्थ में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जाम्पल सारे पॉइंट्स क्लियर करवाने जा रहा हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करो, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं यहां पे मेन पॉइंट्स, फिर हम एक एक करके इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जैसा कि मैंने बताया, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। आपकी जो लेयर 3 है, नीचे से अगर हम बात करें OSI में, तो नीचे से जो थर्ड लेयर होती है, फिजिकल डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर के अंदर ये प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइंड। देन अगर हम बात करें कि ये IPv4 यूज करता है या IPv6, क्योंकि अभी जो है हम IPv6 पे मूव कर चुके हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि IPv6 ही यूज कर रहा है, बट नहीं गाइज, IPv4 प्रोटोकॉल भी इसको यूज कर सकता है। और ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है? IETF, दैट इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो उनकी तरफ से ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स। और ये एक्चुअली में है क्या, ये एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स, जैसे ESP, दैट इज एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड प्रोटोकॉल। इसका बेसिकली पर्पज क्या है, ये यहां पे एनक्रिप्शन के काम आता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम आता है। वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड ही प्रोटोकॉल होगा। देन एक इसमें प्रोटोकॉल कौन सा आता है, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल, AHP, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल। मैसेज की ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे, डोंट वरी। देन की एक्सचेंज, इंटरनेट की एक्सचेंज, तो ये जो इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है, कि जब हमें की को एक्सचेंज करना होता है, जैसे हम पब्लिक की के बारे में बात करते हैं कि मुझे की जो है वो एक्सचेंज करनी है, या सिमेट्रिक की के केस में हम बोलते हैं कि की एक्सचेंज करनी है, तो उस की को भी सिक्योरिटी के साथ एक्सचेंज करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोटोकॉल। देन यूज कहां पे है, कि हम क्यों यूज कर रहे हैं IPsec को, तो सबसे पहला इसका यूज है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी हम बात करते हैं कि मेरा डेटा रास्ते में कोई भी रीड ना कर सके, क्योंकि जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो फुल ऑफ थ्रेट्स है, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है, कोई भी मैसेज को ऊपर अटैक कर सकता है, रास्ते में जो चैनल है उसके ऊपर अटैक करके मैसेज को एक्वायर कर सकता है। बट हमारी कोशिश क्या रहती है कि रास्ते में अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, जैसे अगर AB को मैसेज सेंड कर रहा है, रास्ते में अगर कोई ऐसा बंदा आके बैठ गया जो अनऑथराइज्ड है, हम चाहते हैं कि वो उस मैसेज को रीड ना कर पाए। तो रीड ना कर पाए तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इसको हम प्राइवेसी भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, जैसे एनक्रिप्शन को यूज करते हैं, तो हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो एनक्रिप्शन प्रोवाइड करे, तो ये इसके अंदर डिफाइंड है। देन अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन या इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी क्या बोलती है, ये भी दो तरीके से होती है, एक होता है मैसेज की ऑथेंटिकेशन या इंटीग्रिटी, और एक होती है सोर्स की। जैसे मैसेज की बात करूं तो मैसेज में क्या होता है, जैसे ए ने बी को कुछ मैसेज भेजा और रास्ते में किसी ने उसको चेंज कर दिया, अनऑथराइज्ड बंदे ने उसको चेंज कर दिया, और जब वो मैसेज बी के पास पहुंचा, बी को पता ही नहीं लगा कि उस मैसेज में कोई चेंज था, तो भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एटलीस्ट बी ये तो पता लगा ले कि भैया उस मैसेज में कुछ चेंज हुआ है, कुछ गलत मॉडिफिकेशन हुई है, तो उसको पता लगाना एक तरह से क्या होता है, मैसेज की इंटीग्रिटी चेक करना या मैसेज की ऑथेंटिकेशन चेक करना। तो ये चीज हम हैशिंग वगैरह से यूज करते हैं, बट वही चीज है इसके अंदर वो डिफाइंड है। ऐसे सोर्स, ए ने बी को मैसेज भेजा, ठीक है, चलो ए ने बी को मैसेज भेजा, बी ठीक है, ओके, खुश है, लेकिन अगर कोई और बंदा
ए बन के मैसेज भेज दे, ए के आईपी एड्रेस को यूज करके कोई और बंदा बी को मैसेज भेज दे, तो भैया वहां पे ऑथेंटिकेट होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या ये असली वाला ए है या कोई और ही गलत बंदा ए बन के मैसेज भेज रहा है। तो मतलब जो भेज रहा है सोर्स है उसकी ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है, तो इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं आईपी सेक को, तो ये भी ये प्रोवाइड करता है। देन अगर हम बात करें यहां पे तीसरा रीप्ले अटैक प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मैसेज भेजा ए ने बी को, रास्ते में उस मैसेज को किसी ने एक्वायर कर लिया और उस मैसेज को लेट से कुछ चेंज करके बार बार भेज रहा है, रीप्ले मतलब बार बार उस मैसेज को भेजने की कोशिश कर रहा है। जैसे लेट से कोई मैसेज गया बी के पास कि भैया मेरे को मेरे अकाउंट में 1000 रुपया सेंड कर दो, मतलब कर दिया, ठीक है, ए ने बी को भेजा, बी को लग रहा है कि ए ने भेजा तो वो 1000 रुपया उसने सेंड कर दिया, लेकिन हुआ क्या, रीप्ले थोड़ी देर बाद दोबारा फिर आ गया, 1000 और सेंड कर दो, 1000 और सेंड कर दो, 1000 और सेंड कर दो, एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, तो देर में भी ये चांस कि बी को लगे कि हो सकता है ये वाकई में सही हो, और अगर ऐसा हुआ तो बी का तो नुकसान हो जाएगा। मतलब काइंड ऑफ कि ये मैसेज अगर बार बार रीप्ले हो रहा है तो दैट इज व्हाट अ रीप्ले अटैक। तो इस रीप्ले अटैक से बचाने के लिए भी हम लोग आईपी सेक को यूज करते हैं। तो ये आप सारे के सारे फीचर्स भी यूज कर सकते हो या वन ऑफ देम। कोई कहता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, या मुझे सिर्फ इंटीग्रिटी चाहिए, या मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस, तो एक पर्टिकुलर को भी यूज कर सकते हो, कलेक्शन को भी यूज कर सकते हो, और ये दो मोड ऑफ ऑपरेशन में चलता है, मतलब ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड। काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट मोड में कैसे काम करता है, टनल मोड में कैसे काम करता है, तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसमें मेन मेन फीचर्स आईपी सेक के बारे में आपको बता दिए, कहीं भी कोई पूछता है, इनफ है, थैंक यू।